अक्षय कुमार इस टाइम अपने सक्सेस टाइम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। फिल्मों से लेकर कई बड़ी कैटेगरी लिस्ट में अक्षय का नाम टॉप पर है, लेकिन अब लगता है कि अक्षय अपने साथ साथ अपनों के करियर की नैया भी पार लगाने की फिराक में है और वो इसकी शुरुआत करने वाले हैं अपने प्यारे साले साहब से। जी हाँ, करण कपारिया जो कि रिश्ते में अक्षय के साले लगते हैं, वो अब अक्की की एक जबरदस्त फिल्म का हिस्सा जल्द ही बनने वाले हैं। इसके साथ साथ अक्की जॉली एलएलबी एक्टर अर्शद वारसी भी अक्षय की फिल्म में नजर आएंगे। आपको बताते हैं उस फिल्म के बारे में जिसमें होने वाली है दोनों की कास्टिंग। तो ये फिल्म है दुर्गावती। जी हाँ, वही दुर्गावती जिसके मेन लीड में एक्ट्रेस भूमि पांडेकर को कास्ट किया गया है। आपको बता दें कि अक्षय इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ ही प्रेजेंट भी। ऐसे में फिल्म के हर एक अहम फैसले में अक्की की भी रजामंदगी ले जाएगी। अब अक्की ने करण का नाम मेकर्स को क्यों सजेस्ट किया होगा ये आप जानते ही हैं। अगर नहीं याद तो याद दिला देते हैं, क्योंकि करण जो कि ट्विंकल के भाई और डिंपल कपाड़िया की बहन के बेटे हैं, उन्होंने अपना फिल्मी सफर सनी पाजी की फिल्म ब्लैंक से शुरू किया था, जिसके लिए खुद अक्षय कुमार ने भी करण का प्रमोशन किया था। यहाँ तक कि फिल्म का एक गाना रिलीज किया गया था जिसमें अक्षय कुमार करण के साथ नजर आए थे। यानी साले साहब का करियर बन जाए, इसके लिए अक्षय ने उस टाइम में भी खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया था। हालांकि अक्षय की मेहनत काम नहीं आई और करण बॉलीवुड में शामिल होने में नाकाम हुए। भाई अक्षय ने तो वही कहावत सच कर दी जिसमें कहा गया है, सारे खुदा एक तरफ और बीवी का भाई एक तरफ। अब अक्षय ने तो करण को इस उम्मीद से ही फिल्म में शामिल किया होगा कि उनके करियर को एक सहारा मिल जाए। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस बार अक्की और करण की ये कोशिश कितनी काम आती है।